बच्चों, कंडक्शन की बात कर चुके हैं और कंडक्शन में हमने देख लिया जो फॉर्मूला आपके पास में निकल के आता है, दैट फॉर्मूला इज हीट करंट, जिसको आप बोलते हैं डी क्यू बाई डी टी, किसके बराबर आ रहा है बच्चों, दैट इज माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स। थोड़ा सा इसकी फील नहीं आ रही ना थोड़ा, बस ठीक है। अभी हमें दिखाई दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर में इनिशियल टेम्परेचर डिवाइड बाई लेंथ कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा फील देख के आए, मतलब कब ये कॉन्स्टेंट होगा, कब ये बदलता रहेगा, ये सब चीज़ थोड़ा सा हमें समझना चाहते हैं। हम डी थीटा बाई डी एक्स का क्या लोचा है वो थोड़ा दिखना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कहानी ऑफ डी थीटा बाई डी एक्स, कहानी ऑफ डी थीटा बाई डी एक्स, आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए तेरे पास में ऐसे कोई एक रोड है यहाँ पे ना, ये रोड ऐसे करके कुछ ऐसे कैसे करके कोई रोड है आपके पास में, ये नॉन यूनिफॉर्म रोड होगी आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे एरिया कुछ कम था, यहाँ पे ज्यादा था, मैटे ये भी बदल सकता, कुछ भी हो सकता है। ऐसे करके कुछ रोड है, इसको यहाँ पे आपने सोर्स और सिंक में लगा दिया, सोर्स का टेम्परेचर कुछ मान लीजिए थीटा वन और सिंक का टेम्परेचर आपके पास में है थीटा टू। हम ये देखना चाह रहे हैं सर, इस वाले केस में क्या डी थीटा बाई डी एक्स डिफरेंट डिफरेंट आएगा क्या है सर, कहानी नहीं समझ में। देख इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जो रोड्स थी वो यूनिफॉर्म रोड्स थी, जो रोड्स है आपके पास में क्या है वो यूनिफॉर्म थी। अगर यूनिफॉर्म रोड थी तो आप डी थीटा बाई डिक्स क्या लेंगे, थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइड बाई एल। पर यार अगर मान लीजिए, मतलब कब ये कॉन्स्टेंट रहेगा कब नहीं रहेगा, कब इसको थीटा टू माइनस थीटा वन बाई एल लिख सकते हैं कब नहीं लिख सकते, उन सब चीजों पर थोड़ी हम चर्चा करके देख रहे हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पे ऐसे इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा ऐसे कुछ, तो वो हीट करंट तो सेम होगा आई एच, वो तो हर एक क्वेश्चन से इक्वल हीट जाएगा आपके पास, क्योंकि अगर स्टडी स्टेट आ गई तो मतलब ये था जितनी हीट आपके पास में पीछे से आ रही है उतनी आगे जाएगी। अगर यहाँ से कुछ क्यू हीट निकली है तो इसमें क्यू ही जाएगी, इसका मतलब हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जो पर यूनिट टाइम में जो हीट फ्लो हो रहा होगा दैट विल बी सेम। तो हमने बोला भी सब कोई भी क्रॉस सेक्शन आप इनमें से चूज करेंगे हर एक क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगा, इसका मतलब ये जो टर्म है आई एच ये क्या है आपके पास कॉन्स्टेंट है, मतलब कोई पॉइंट के लिए पूछेंगे इसके इसके हर एक क्रॉस सेक्शन से जो ये आई एच जा रहा है वो क्या है आपके पास सेम है। हम चर्चा किस पे करना चाह रहे हैं, हम चर्चा करना चाह रहे हैं डी थीटा बाई डी एक्स पे। अब देखना मेरी बात को, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या आ रहा है आपके पास, डी थीटा बाई डी एक्स बना आई एच डिवाइड बाई के ए, आई एच डिवाइड बाई के ए। अगर आपके पास में देखिए हर एक जैसे आप कोई भी इस वाले क्रॉस सेक्शन के लिए देखेंगे तो इस वाले मटेरियल का यहाँ पे जो मटेरियल था के आएगा और इस वाले का एरिया आएगा। आप समझ के देखिए, अगर मैं बोलूँ यार छोटे से डी एक्स के लिए, जैसे यहाँ पे छोटा सा डी एक्स आपने उठा लिया, तो इसके लिए के की वैल्यू क्या आएगी, जो इस मटेरियल का के है। एरिया क्या आएगा, ये वाला एरिया आएगा। अगर आप इसे आगे वाले रीजन में चलेंगे तो यहाँ पे अगर कोई डिफरेंट मटेरियल तो उसका क्या आएगा, उसका ए आएगा। तो यार ये कब तक कॉन्स्टेंट रहेगा, डी थीटा बाई डी एक्स विल बी कॉन्स्टेंट कब, ये तो आई एस तो कॉन्स्टेंट है ही हर एक से, क्योंकि हर एक से स्टडी स्टेट में इक्वल करंट जा रहा है। ये डी थीटा बाई डी एक्स कब कॉन्स्टेंट आएगा, वेन के ए इज कॉन्स्टेंट, के ए इज कॉन्स्टेंट, मतलब आपके पास में जो थर्मल कंडक्टिविटी है और क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अगर सेम रह रहा होगा तो आपके लिए उसके पास डी थीटा बाई डी एक्स सेम आएगा। मेरी बात समझ में आ गई, तो हम बोल सकते फॉर यूनिफॉर्म रोड, एक यूनिफॉर्म रोड मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा सेम, उसके डी थीटा बाई डी एक्स क्या आएगा आपके पास सेम आएगा, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म रोड डी थीटा बाई डी एक्स विल बी कॉन्स्टेंट, वो बदलेगा नहीं। पर अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इस वाले रीजन में अलग आएगा आपके पास में, जो डी थीटा बाई डी एक्स है यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, हर एक पॉइंट पे अलग अलग आएगा। पर हम सवाल इस वाले मेथड से करते ही नहीं है, हम सवाल करते हैं रेजिस्टेंस वाले मेथड से, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। फिर भी बस एक आइडिया देने के लिए आपको बता दिया कि डी थीटा बाई डी एक्स की वाली कहानी कभी आए आपसे पूछ ले कहाँ पे यूनिफॉर्म है कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप इस वाले जड़ से चेक कीजिएगा। आई तो कॉन्स्टेंट होता ही है, बिकॉज अगर एक ही रोड आपके पास में है तो हर एक क्रॉस सेक्शन सेम करंट सेम हीट करंट जाएगा, तो वहां से आप डायरेक्टली इसको लिंक कर सकते हैं। पर हम सवाल करते हैं, हमें अगर ये सवाल आ जाएगा कि बताइए इससे कितना करंट पास होगा, तो हम इतना कुछ नहीं करते, मैं सबसे पहले से क्या निकालू, थर्मल कंडक्टिविटी निकालूंगा, सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस निकालूंगा, थर्मल रेजिस्टेंस निकाल के उसको डिवाइड कर दूंगा टेम्परेचर डिफरेंस से, तो करंट आ जाएगा। क्लियर है, आइडिया लग गया। अच्छा इसका नाम क्या था, इसको बोलते थे क्या बोलते थे बच्चों इसको, दिस इज नेम्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट, दिस इज नेम्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्लियर, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज हम यार मेथड सवाल ही नहीं करेंगे, हम सवाल करेंगे रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस निकाल के। पर आपको फिर भी कभी पूछ रहे टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में तो आप यहां से उसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना छाप लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हम बात करें किरचॉफ्स लॉ की, करंट में ये बहुत जरूरी लॉ होता है, मतलब इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं और हीट में भी ये हमारी हेल्प करेगा, तो ये हम इसको पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा है, मतलब अगर इसको ना पढ़ाया जाए, मतलब सिर्फ आपसे बेसिक पूछूं, सीधा ये पूछ लूं, मैं पूछता हूं बताइए एक बार सुनिए। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट है,
पहले इसको पढ़ने के बाद पहले एक चीज समझिए, देख क्या पता आपको खुद से ही पता हो। मैं बोलूँ यार यहां से कुछ 10 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां पे कुछ ऐसे आपके पास में 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो बताइए यहां पे कितना करंट जाएगा, इसमें आएगा कि जाएगा, क्या करेंगे आप? तो आप क्या बोलेंगे, से जितना आएगा उतना चला जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे 15 एम्पियर, ऐसा ही बोलते हैं। अगर इतना वो पता है तो बस यही लो है। क्या बोल रहा है वो देखिए, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्लैश थर्मल करंट दोनों के लिए वैलिड है इस एट ए पर्टिकुलर नोड इज ऑलवेज जीरो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी नोड, नोड समझ में आ रहा है, कोई भी जंक्शन पॉइंट, जैसे ये जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप कोई भी जंक्शन पॉइंट के ऊपर देखें, नोड की जगह जंक्शन करो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, जहां पे भी आपका जंक्शन पॉइंट होगा वहां पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। बस किसी जंक्शन पे जैसे मान लीजिए बहुत सारी वायर्स है, कि 3 वायर से कुछ करंट आ रहा है और कि 2 से जा रहा है, जितना उन 3 से आया होगा उन 2 से उतना ही जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे आई इन इज इक्वल टू आई आउट एट एनी जंक्शन। बस इतना से तो बात है ये, एट एनी जंक्शन, इतनी बात चमकती है कि बच्चों कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। मैं एक सवाल देता हूँ आपको, हल्का सवाल देता हूँ, उससे आप मुझे बताएं कितना जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 3 वायर्स है, यहां से आपके पास में कुछ 2 एम्पियर आ रहा है, यहां पे आपके पास कुछ 1 एम्पियर, इसको मान लीजिए कुछ 5 एम्पियर आ रहा है यहां से कुछ, ठीक है, यहां से कुछ 3 एम्पियर ऐसे जा रहा है, तो बताइए इस वाले में कितना करंट आएगा, आएगा कि जाएगा आपको बताना है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, देखिए यहां से 5 एम्पियर आया, यहां पे कितना गया 3 एम्पियर गया, तो यहां से ज्यादा आया ना यहां पे, तो यहां से कितना आना पड़ेगा 2 एम्पियर जाना पड़ेगा। कर पाएंगे? कुल मिला के आप किसी भी जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, सिंपल सी कहानी है, उसमें कोई बड़ा लोचा नहीं। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि ऐसा कुछ दिखाया गया था, यहां पे ऐसे कुछ I1 ऐसा दिखाया गया था, यहां पे ऐसे कुछ I2 दिखाया गया था, ऐसे कुछ I3 दिखाया गया था, ऐसे दिखा दिए बच्चों, क्लियर। अब आपसे पूछा बताइए I1 I2 और I3 में क्या रिलेशन है आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे इस वाले केस में, आपको देख के अजीब लग सकता है क्योंकि सर कहीं से आई तरह हर तरह से जा रहा है, हम गणित से चलते हैं तो हम क्या बोले, जितना करंट आएगा उतना जाएगा, अब गया कितना, जाने वाला करंट इतना है, ये आई आउट है आपके पास, और पूछो आई इन कितना है, तो आई इन है 0, तो आप क्या बोल, जितना आएगा उतना जाएगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। सर इसकी फील नहीं आ रही, सर समझ में नहीं आ रहा, इसकी फील नहीं है, बट ठीक है आपने गणित से समझा दिया, फिर इस वाली बात की फील नहीं है, वैसे भी I1 प्लस I2 प्लस I3 0 कैसे हो गया और तीनों चक्कर जा कैसे रहे। तो देखो आपको मान लीजिए आपने ऐसा मान रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मान लीजिए ये ऐसे जंक्शन होता आपके पास, ठीक है, इसमें से क्या होता है ऐसे 3 एम्पियर आता है, यहां पे मान लीजिए कुछ 1 एम्पियर आता, इसको कुछ ऐसे मान लीजिए, और इसमें कुछ ऐसे 2 एम्पियर मान लीजिए, और ऐसे कुछ 5 एम्पियर, क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये वाली सिचुएशन जो हमने लिखी है वो सही बैठती है कि नहीं बैठती, तो आप क्या बोलेंगे I1 की वैल्यू कितनी 3 एम्पियर, सही है, I1 की डायरेक्शन इस तरफ थी, यहां पे इसी तरफ जा रहा है। अच्छा I2 की वैल्यू इस तरफ कितनी बच्चों 2 एम्पियर, तो ये I2 भी आपके पास I1 बन गया कितना 3 बन गया, I2 कितना बन गया आपके पास 2 एम्पियर बन गया। अच्छा I3 सर इस तरफ जाना चाहिए था, अच्छा ये तो गलत बन गया, नहीं कैसा बनेगा इसमें ऐसे जाएगा तभी तो होगा ये, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर कोई वैल्यूज भी I1 I2 I3 की होती तब भी यार सिचुएशन सही बैठती, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो I1 इस तरफ जा रहा था, हमारा एक्चुअल में भी ऐसा ही जा रहा है, तो I1 को लिखा 3 एम्पियर, I2 इस तरफ जा रहा था, इसमें भी ऐसा दिखाई दे रहा था, मैं लिखा 2 एम्पियर, I3 देखिए I3 इसी तरफ जा रहा था पर हमारा I3 इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब हमें जो I3 लेना पड़ेगा वो कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, इस -5 एम्पियर आप ऐड कर लो वापस 0 आएगा। ये वाली चीज काम की चीज है, मान लीजिए जब आपके पास में 3-4 ऐसे रोड्स रहेगी या फिर वायर्स रहेगी और हमसे पूछा जाएगा कि क्या रिलेशन लिखें, तो आप मान लीजिए तीनों से करंट जा रहा है, तीनों से करंट क्या हो रहा है जा रहा है, तो आप तीनों को जो जा रहा है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना कर देंगे 0, तो बात सही बैठेगी ये, तो ये वाली टर्म, ये वाला केस सही है आपके पास में, हमें इसका यूज करना पड़ेगा। आपको कई बार जंक्शन वाले सवाल हमें मिलेंगे जहां पे हमें पता नहीं हुआ किससे आ रहा है किससे जा रहा है, जैसे मान लीजिए ऑब्वियसली भी ऐसा नहीं हो सकता तीनों जा रहा है, हो सकता है किससे आ रहा हो किससे जा रहा होगा, पर हम कैसे चेक करें किससे आ रहा है किससे जा रहा है, तो आप एक काम कीजिए मान लीजिए सबसे जा रहा है और सबसे जाता हो मान लिया, तो आ कितना रहा है 0 आ रहा है, तो जो जाने वाला करंट होगा वो भी 0 होगा, तो वहां से आपको इक्वेशन मिल जाएगी और आप सोल्व कर पाएंगे। अब करवाता हूं उससे आपको आइडिया लग जाएगा इस बात का, क्लियर है। तो जंक्शन रूल में सिंपल कहानी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स आई इन इज इक्वल टू आई आउट, कभी भी आप फंसे आप देख लीजिए करंट आ कितना रहा है और जा कितना रहा है दोनों बराबर होने चाहिए, अगर सबके सब जा ही रहे हैं तो फिर आ कुछ नहीं रहा मतलब आई इन 0 हो जाएगा। अगर ऐसा आप देखेंगे सर यहां पे कितना आ रहा है, तो यहां पे आ रहा है 5,
जा कितना रहा है, इधर 3 जा रहा है, इधर 2 जा रहा है, इनका सम भी देखिए 5 है। सिमिलरली आप यहां पे चेक करके देख लीजिए, आ कितना रहा है 10 और 5, ये दोनों आ रहे हैं ना जंक्शन के ऊपर, आते हुए दिखाई दे रहे थे 15 हो गया, जा कितना रहा है 15। क्लियर बच्चों? तो ये वाला जो चीज, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जब हमें पता नहीं होगा कि किससे आ रहा है किससे जा रहा है, तो आप मान लेंगे कि सबसे करंट बाहर की तरफ जा रहा है। ये बात अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर कभी ऐसा केस बना कि हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाए कि कौन से जा रहा है कौन से आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप ये मानिए सबसे जा रहा है, क्लियर? फिर आप वही चीज, अगर सबसे जा रहा है तो आ रहा नहीं है, तो आई आउट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? आप इतना छापिए, फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको बेटर क्लियरिटी आएगी। बच्चों जो हमने सीखा है उसी का सवाल है आपके पास में। अब देखिए आपको क्या है सवाल, कहते हैं 3 रोड्स गिवन है ना, तो मैंने थर्मल कंडक्टिविटी दे दी आपको डायरेक्टली, आपको एल के ए वो सब नहीं दिया, बिकॉज मेरा टारगेट कुछ और सिखाना है आपको, तो मैं थर्मल रेजिस्टेंस दे दिया। इसका थर्मल रेजिस्टेंस कुछ आर है, इसका कुछ 2R, ऐसा कुछ 3R है, ये थर्मल रेजिस्टेंस है आपको, तो लिख दिया थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रोड इज शोन इन द फिगर। आपको बताना कि यार इस वाले पॉइंट का एंड, मतलब इस वाले रोड का जो एंड पॉइंट का टेम्परेचर था वो गिवन है, इस वाले रोड का एंड पॉइंट का टेम्परेचर गिवन है, इसका गिवन, इस वाले पॉइंट का नहीं गिवन। अब आपको इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है, भाई साहब ये जंक्शन पॉइंट है इसका टेम्परेचर कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो एक बार जितना आपने सीखा है मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए, फिर आप इसको डिस्कस करेंगे, करके देखिए बच्चों कैसा आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, करिए इसको। हाँ बनी बात, ठीक है मैं इसको कर रहा हूं, अगर आपने नहीं किया तो स्क्रीन को आप पॉज कर दीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, मुझे यार अभी समझ में नहीं आ रहा यार, जैसे मतलब इस वाले से हीट कहाँ पे जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इससे कैसे जाएगा समझ में नहीं आ रहा, मतलब किससे हीट आया किससे जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है देखने में। इससे पता लगा सर ये तो हायर टेम्परेचर पे, तो शायद इससे आएगा, इससे जा भी सकता है, इससे जाना ही जाना है, इससे भी क्या पता चला जाए कि इससे आए, आइडिया नहीं लग रहा उस बात का। ये समझ में आ रहा सर ये हायर है ये लोअर है, तो इसके पास जाएगा इससे आएगा, पर इससे क्या आएगा जाएगा हमें आइडिया नहीं है, हम कंफ्यूज हैं उस बात को लेके। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया भाई सब तीनों रोड में हीट करंट बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें कुछ हीट करंट जा रहा है I1, इसमें कुछ हीट करंट जा रहा है I2, और इसमें कुछ हीट करंट जा रहा है I3। अगर कुछ गलत होगा, ऑब्वियसली ये चीज गलत है, हर एक से जा नहीं सकता, पर गणित अपने आप उसको सही कर देगा। हमने गणित का एक्सप्रेशन लिखा है ना, वहां पे देखा था I1 प्लस I2 प्लस I3 0 आ रहा था, कोई भी केस में आप लेके देख रहे थे, तो अगर जो आपने जो डायरेक्शन मानी है I1 की वैसी डायरेक्शन नहीं हुई, तो अपने आप I1 नेगेटिव आ जाएगा, तो वो दिक्कत नहीं है आपको। आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अगर आपका मन करे नहीं सर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इसको ऐसे करूंगा कि I3 आ रहा है और ये I1 और I2 ऐसे जा रहे हैं, तब आप क्या क्या लिखेंगे, तो आप इक्वेशन बनेगी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ऐसे बन जाएगी इक्वेशन आपके पास। पर लिखते वक्त गलती ना हो जाए, इस वजह से मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूं पहले वो सीख लीजिए एक बार। आप जब भी ऐसे वेरिएबल के से फंसे, तो मान लीजिए तीनों से बाहर निकल रहा है, मान लिया आप तीनों से बाहर निकलता हुआ मान लिया, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर कुछ टी मान लीजिए। अब आप सोचिए, आपने ये माना कि ये जो इस वाले रोड में जो हीट करंट जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है, मतलब टी बड़ा या 0 बड़ा, टी बड़ा, सही है बात। अच्छा इस वाले रोड में कहां जा रहा है बच्चों हीट करंट, इस तरफ जा रहा है, तो कौन बड़ा, टी बड़ा। इस वाली रोड में अगर आप देखेंगे तो कहां जा रहा है हीट करंट, इस तरफ जा रहा है, तो कौन बड़ा, टी बड़ा। तो टी को सबसे बड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने सब में डायरेक्शन इस तरफ माना है ना। अगर आपने इसमें डायरेक्शन इधर माना होता, लेट इज आपने इधर माना होता, तब आप लिखते इसमें हीट करंट जो होगा 100 - t डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अभी आपने हीट करंट कैसा माना, इसमें ऐसा माना है, ठीक है। तो अभी बच्चों अप्रोच पे चलते हैं। अब आप देखिए, आपने माना I1 इस तरफ है, I1 इस तरफ, मतलब टी सबसे बड़ा लेके चलेंगे हम, तो हमने क्या लिखा, I1 इस वाले रोड में कितना करंट आएगा बच्चों, दैट विल बी इसका टेम्परेचर कुछ टी है, इसका कितना है 0 है, इसका कितना है 60 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसकी रेजिस्टेंस की देता हूं थर्मल रेजिस्टेंस की आर, इसकी 2R, और इसकी कितनी आपके पास 3R। अब करें इसको, आइए तो मैंने लिखा करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब टी बड़ा होगा, तो टी -0 डिवाइड बाय आर। I2 किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब टी बड़ा माना है हमने, तो टी -60 डिवाइड बाय 2R। प्लस इसमें भी करंट हमने इधर जाता हुआ माना है, मतलब टी बड़ा होगा, तो टी -100 डिवाइड बाय 3R, दैट विल बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कुछ उल्टा करते, आप मानते I3 इधर आता हुआ मानते, फिर 100 - t लिखना पड़ता,
क्योंकि फिर आपने I3 को इस तरफ माना तो 100 बड़ा होगा। अभी मैंने तीनों को बाहर की तरफ जाता हुआ माना है, मैंने माना है कि इसमें भी इधर जा रहा है, इसमें भी इधर, इसमें भी इधर, मतलब टी बड़ा मान के चल रहा हूँ। गणित अपने आप सही कर रहा है इन सब चीजों को। देखिए यहाँ पे आर 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 आपके पास साफ हो गया, और इसका अगर आप LCM लेंगे तो 6 LCM आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 60 प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा 3T - 180 प्लस यहाँ पे 2 आएगा 2T - 200 इज इक्वल टू 0। LCM लेके उस तरफ लेके चले गए, इतना सही है। 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से आप ऐसे ही मान सकते हैं। अब देखिए कितना बन गया, 6 और 11 सॉरी नो दिस इज टोटल 11 ना, 11T इज इक्वल टू आपके पास आ गया 380। तो टी की वैल्यू आपके पास आ गई 380/11, ये आपके पास टेम्परेचर आ गया जंक्शन पॉइंट का। अब आप सब काम कर सकते हैं, अगर आपको टेम्परेचर मिल गया जंक्शन पॉइंट का, तब आप कुछ भी पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। जैसे आपको समझ में आ गया सर यहाँ पे ये रोड्स थी, ऐसे 3 रोड्स थी, और जो इस वाले पॉइंट जो टेम्परेचर निकल के आया 380/11, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री, यहाँ का कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना है 100 डिग्री। रेजिस्टेंस गिवन थी इसकी आर, इसकी 2R और इसकी 3R। अब आप देख लो, अब आप सब बता सकते हैं किसमें किस तरफ जाएगा। अब आप एक्चुअल में देख सकते हैं, देखो इसका जो टेम्परेचर है आपके पास में ये कितना आ गया अप्रोक्स, दिस विल बी अप्रोक्स 38 से कम आएगा थोड़ा सा ना, तो आपके पास 30 जो भी आएगा 38 के आसपास आएगा। तो अगर ये कुछ कम है आपके पास 38 के आसपास है, तो इसमें करंट ऐसे आ रहा होगा, इसमें एक्चुअल करंट ऐसे आ रहा होगा, इसमें जा रहा होगा एक्चुअल में। अब आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर मैं पूछूं बताओ इस वाली जो रेजिस्टेंस थी इस वाले रोड के अंदर कितना करंट जा रहा है, दैट विल बी 380 - 0/R। अब इसमें से पूछूंगा इसमें कितना जा रहा था, अब आप देख लीजिए, अब एक्चुअल टेम्परेचर पता लग गया ना। अब आप चेक कर लीजिए भाई साहब, ये 60 है, ये 380/11 है, ये बड़ा है, मतलब हीट यहां से यहां पे जाएगा, कितना जाएगा 60 - 380/11/2R। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा है, तो एक्चुअल आ जाएगा। तो पहले आप अननोन था जब आप पूछिए, तो आप पहले टेम्परेचर निकाल लीजिए, टेम्परेचर आ जाएगा फिर सब क्लियरिटी आ गई, फिर आप कुछ भी पूछ लीजिए अपने उसको सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, आप इसे छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। वैसे ही किचो फ्लो का सवाल है, अब क्या 4 रोड्स है आपके पास, आपको दिखाई दे रही है 1, ये 1 रोड, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 रोड्स है आपके पास, सबकी लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया आपको गिवन है। आपसे पूछा गया ये जंक्शन पॉइंट है इसका टेम्परेचर कितना होगा, 4 एंड्स का आपको गिवन है, क्लियर। सबसे पहले आपको जंक्शन पॉइंट टेम्परेचर निकाल के बताइए, हाँ भी हुआ, मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, अगर आपने नहीं किया है तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि यार इस वाले पॉइंट जो टेम्परेचर है वो कुछ टी है, इस पॉइंट टेम्परेचर कितना मान लिया टी, और मैंने मान लिया इसमें कुछ इधर करंट जा रहा है आपके पास, ऐसे यहाँ बनाता हूँ 4 रोड्स से, तो इस वाले पॉइंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, इसका है 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें कुछ इधर करंट जा रहा है I1, इसमें इधर मान लिया कुछ जा रहा है I2, सब में बाहर की तरफ मान लिया, बिकॉज मुझे पता नहीं ना किसमें जा रहा है किसमें आ रहा है, सबको बाहर मान लिया, उसमें आसानी क्या हुई लिखते हुए, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब आप देखिए इसकी रेजिस्टेंस देखते हैं कितनी कितनी है, अगर आप इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे R1, यहाँ पे कुछ R1 बोल देता हूँ इसको, इसको कुछ R2 बोल देता हूँ, इसको कुछ R3 बोल देता हूँ, इसको कुछ R4 बोल देता हूँ, तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से चेक कीजिए, दैट इज L/KA, R1 आ गया 2L/KA, L/KA को R0 बोल देंगे, 2R0 बन जाएगा, तो आसान रहेगा लिखने में ना, L/KA को R0 बोल दिया हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं R2 की, R2 कौन सा है बच्चों, ये वाला R2 कितना है आपके पास, दैट इज L/KA, और ये भी कितना बन गया R0 बन गया, ठीक है। R3 कितना है, R3 ये वाला है ना, दैट इज L/KA, L/KA की जगह K/2, A की जगह A/2, तो कितना बन गया 4L/KA, दैट इज 4R0 बन गया ये। और अगर आप बात करेंगे R4 की बच्चों, दैट इज अगेन R0, दैट इज L/KA, दैट इज R0। अब दिक्कत नहीं, अब काम किया जा सकता है। I1 इस वाले रोड में है तो इस तरफ जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, 3T - 20/R1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, दैट इज 2R0 प्लस। I2 में देखते हैं तो इस तरफ करंट जाता हुआ मान लो, तो T बड़ा होगा, तो हमने लिखा T-50/R2, R2 वैल्यू कितनी, R0।
अगर आप आर थ्री लिखने जाएंगे, आई थ्री दैट विल बी टी माइनस 100 डिवाइड बाय आर थ्री, आर थ्री कितना बच्चों 4R0, और आई फोर लिखने जाएंगे देन इट विल बी टी माइनस 0 डिवाइड बाय आर फोर की वैल्यू कितनी है, आर नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनता है। अब देखिए आर नॉट सब उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, दैट इट विल बिकम 2t माइनस 40 प्लस 40 माइनस 200 प्लस t माइनस 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए एक बार, हमने पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से अगर पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 2t माइनस 40, ठीक है। अब देखिए t वाली टर्म्स कितनी है, ये 4 5 9 एंड अगेन इट इज 11, ओके 11t, सही है ये, 4 2 6 6 और 10 10 11, ठीक है। ये वाली बात देखते हैं, दैट इज 340, दिस टाइम इट इज 340, तो यहां से जो टेम्परेचर आ गया वो टेम्परेचर आ गया 340 डिवाइड बाय 11, ये टेम्परेचर आ गया फंक्शन पर। अब आप मुझसे कुछ भी पूछिए मैं सब बता सकता हूं। अब अगर आप पूछें सर i4 एक्चुअल में कहां था, तो ये 340/11, ये 340/11 है ना आपके पास में, तो ये अगेन 33 के आसपास है, 33 के आसपास होगा ये, तो ये 33 के आसपास है, मतलब 30 से थोड़ा सा बड़ा आएगा कुछ, तो ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, तो करंट इसमें हीट करंट इस तरफ जाएगा, यहां पे देखेंगे तो ये 30 से कुछ बड़ा है और ये 20 है तो भी इस तरफ जाएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 50 है, ये 340/11 है 33 के आसपास, तो अब की बार इसमें इस तरफ जाएगा, तो i2 इस तरफ आएगा, i4 और i1 की डायरेक्शन सेम, सही है, i1 और i4 की जो डायरेक्शन आपने बनाई थी वो सही आ रही है फाइनली भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर i2 की डायरेक्शन फाइनली अगर आप चेक करेंगे फाइनल रिजल्ट में तो आपको देखिए उल्टा आ रहा है वो, ठीक है जी, अगर मुझसे पूछता ना तो मैं बता देता। i3 अगर देखेंगे तो अब टेम्परेचर पता है, अब कहानी खत्म है, अब हर एक इस पॉइंट टेम्परेचर पता, हर एक पॉइंट टेम्परेचर पता है, तो आप डायरेक्शन इजीली बता सकते हैं कि हीट करंट हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। अगर आप बोलेंगे इस वाले रोड में किस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 30 के आसपास है, तो इधर जाएगा, क्लियर। तो आपके पास आपने माना था उल्टा, गणित अपने आप उसको सही कर लेगा, फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू दे देगा, फिर आप उसमें निकाल सकें कि भाई किस तरफ जा रहा है, फिर आपके हाथ में है वो खेल। तो अगर आप निकाल सकते हैं मुझे बता दीजिए, फाइंड करंट इन लेफ्ट मोस्ट रोड, इस वाले रोड में कितना करंट, लेफ्ट मोस्ट ठीक है ना आपके पास, जो लेफ्ट वाली रोड है उसमें कितना करंट है, आप मुझे निकाल के बता दीजिए हीट करंट कितना है, दिस इज हीट करंट। तो अब मेरे साथ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैसे ही निकालेंगे, अब बोलेंगे सर ऐसे रोड थी आपके पास चार, ठीक है, इसमें कितना है आपके पास, यहाँ का टेम्परेचर 340/11, यहाँ का है आपके पास 340/11, और यहाँ का कितना है आपके पास 100, तो करंट ऐसे जाएगा, हीट ऐसे फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ, तो कितना आएगा इसकी वैल्यू, इस आई की जो वैल्यू आएगी दैट इज 100 माइनस 340/11 डिवाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास, जिसे आर थ्री ना दैट इज 4R0, क्लियर, ये आपका जवाब हो जाएगा। तो अगर एक बार टेम्परेचर मिल जाए ना जंक्शन पॉइंट का, फिर आप उससे बाहर निकल जाइए, फिर आप बेसिक रहेंगे, फिर आप बेसिक पे जाइए, कौन हाई पे कौन लो पे किस तरफ जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय आर, कर पाएंगे बच्चों, ठीक है, आप इसको छापिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों प्रैक्टिस के लिए आपको एक और सवाल दिया गया, ये वैसा ही है जैसा हम पहले कर रहे थे, एक बार आप करके देखिए, पहले सवाल पढ़ लीजिए फिर आप इसे करिए अटेम्प्ट, फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे। हाँ भी हुआ, आइए अपने थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहली बात आपको ये बोला गया एक ये वाई रोड है और एक ये वाई रोड है, ये दोनों आइडेंटिकल रोड है, पर हमें जिस हिसाब से पूछा गया ये इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर पूछा गया, तो हमें तीन रोड में ब्रेक करना पड़ेगा इसको, एक तो ये वाई रोड होगी, एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, क्लियर। इसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज आर इज इक्वल टू एल बाई के होता है, तो यहाँ पे एल बाई टू आएगा ना, एल बाई टू आइडेंटिकल है तो के और है तो सेम होगा, इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी दैट इज इसकी रेजिस्टेंस आएगी, इसकी भी इतनी आएगी और इसकी कितनी आएगी बच्चों रेजिस्टेंस, That is L by KA.
इसका नाम कुछ आर वन बोल देता हूँ, इसका कुछ आर टू, इसका नाम कुछ आर थ्री। तो आर वन को हम आर नोट मान लेते हैं ना, इसको हम आर नोट मान लेते हैं, ये भी आर नोट, ये भी आर नोट और ये टू आर नोट। तो कुछ ऐसा सेटअप दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप करंट से कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, नहीं तो एक काम की जैसे बना दो बस, ठीक है, स्टेट बना दो बस इसको। तो अपन से इस टेम्परेचर कुछ टी है और इसका कुछ जीरो है, इसका कुछ हंड्रेड है और इसका कुछ 25 डिग्री है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है आपके पास, दिस इज आर, दिस इज आर, देन दिस इज टू आर। क्लियर, हमने इसको आर मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, टू आर हो जाएगा। अब हम किरचॉफ सॉ लगा देते हैं, हमने मान लिया कि इसमें कुछ हीट करंट जा रहा है आई वन, इसमें कुछ हीट करंट जा रहा है आई टू और इसमें कुछ हीट करंट जा रहा है आपके पास आई थ्री। तो क्या होगा आपके पास, इट इज आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री विल बी इक्वल टू जीरो। तो आई वन की वैल्यू देखते हैं कितना आएगा आपके पास, आई वन विल बी टी माइनस जीरो डिवाइड बाई आर। आई टू कितना आएगा, आई टू आएगा टी माइनस हंड्रेड डिवाइड बाई आर, सही है। अच्छा अगर आई थ्री देखेंगे बच्चों तो आई थ्री कितना आएगा आपके पास, प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो बन जाएगा 2t, ये 2t और ये प्लस बन जाएगा, सॉरी 2t माइनस 200 और ये बन जाएगा t माइनस 25। क्लियर, तो यहाँ पे 2 और 2 4 और एक 5, यहाँ पे तो आ गया 5t। 5t इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 225। टेम्परेचर कितना आ गया, 45 डिग्री सेल्सियस। तो इस जंक्शन पर जो टेम्परेचर आएगा दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक बार 45 आ गया, अब आपसे जो भी पूछे अब आप नया डायग्राम बना लीजिए, ऐसे ऐसे नया डायग्राम बना दीजिए आप। अब आप बता दीजिए सर इस वाले पूरे टेम्परेचर जो जीरो था गिवन था, इसका 25 था, ये भी गिवन था, इसका 100 गिवन था और इस पूरे जो टेम्परेचर दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस। अब क्या पूछ रहा है ये, अब ये पूछ रहा है कि बताइए सीए रोड में कितना हीट करंट जा रहा है, सीए में इस वाले रोड में। तो अब बताइए किस तरफ जाएगा एक्चुअल में, ये 100 है ये 45 है, इस तरफ जाएगा। तो अब एक्चुअल डायरेक्शन ये वाली आएगी सीए में। अच्छा अगर मुझसे पूछे इसका नाम, सॉरी इसका ए था, इसका सी था, इसका बी था, कुछ डी था। अच्छा मुझसे पूछे बीसी रोड में क्या होगा, तो बीसी रोड में 45 हायर डिग्री पे है, ये रोड टेम्परेचर पे है तो ऐसे जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा। तो कुल मिला के यहां से आएगा और इन दोनों में जाएगा। अब आपसे इसमें करंट पूछा गया है, जिसमें करंट निकाल देते हैं आपने कितना आएगा ये, इसलिए 55 डिवाइड बाय इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी एल बाय 2 kA, दैट इज 110 kA बाय एल। ये इसका दूसरे वाला सवाल का जवाब हो गया, हीट करंट का जवाब हो गया सीए में कितना हीट करंट आ रहा है, दैट इज 100 माइनस 45 दैट इज 55 डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस कितना एल बाय 2 kA। आपने सॉल्व किया तो बात बन गई, क्लियर। सिमिलरली आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, अगर पूछेगा दैट इज 45 माइनस 0 डिवाइड बाय इसकी रेजिस्टेंस दैट इज एल बाय 2 kA। इसमें पूछेगा तो दैट इज 45 माइनस 25 दैट इज 20 डिवाइड बाय एल बाय के, तो इसमें भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, हो जाएगा। तो एक बार जब टेम्परेचर आ जाए फिर आप कुछ भी पूछे तो आप जो टेम्परेचर आ गया उसको नोट डाउन करें, फिर आप देख लीजिए करंट किस तरफ फ्लो करेगा, फिर डायरेक्शन वगैरह सब हमें आइडिया लग जाएगा। बच्चों इस साथ थोड़ी सी क्रिएटिविटी की गई, इसमें क्या था आपके पास कि ये रोड है और इसको इधर जो टेम्परेचर है वो जीरो है, इधर 50 केल्विन है, रोड में एक पॉइंट है कुछ एक्स ना, उस पॉइंट पे हीट सप्लाई किया जा रहा है हीटर की हेल्प से, हीट सप्लाई कंटिन्यूसली हीट सप्लाई किया जा रहा है कितना 100 जूल परसेंट। इससे पहले सवालों कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई हीट सप्लाई हीट का कोई सोर्स था, यहाँ पे हीट का सोर्स था आपके पास, वो कॉन्स्टेंट हीट सप्लाई कर रहा है कितना 100 जूल परसेकंड, इतना आपको गिवन है। अब आपसे इसको थ्योरी में लिखा गया हीट करंट ऑफ 100 जूल पर सेकंड इज सप्लाइड एट ए पॉइंट एक्स विद द हेल्प ऑफ हीटर। ये सब लेंथ गिवन है, आप थर्मल कनेक्टिविटी गिवन है, एरिया गिवन है। आपसे क्या पूछा गया बताइए इस एक्स वाले पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा। ऐसा सेम सवाल जी एडवांस में एक बार आया था, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में था वो, तो आप ये करके देखिए। अगर ये सवाल आप कर लेंगे इसका मतलब है किरचॉफ सॉ आपको समझ में आ गया, अब आप इसमें नहीं फंसेंगे। एक बार करके देखिए बच्चों इस सवाल को, अच्छा सवाल है। हाँ भी हुआ,
देखिए, अगर आपने बेसिक सीखा हुआ होगा तो आप नहीं फंसेंगे। आप सपोज कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया तो अच्छा सवाल है, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, हमने ऐसे किया कि यहाँ पे तीन ऐसे बना दिया आपके पास, ठीक है, तीन रोड सी, 1, 2 और 3। इसकी रेजिस्टेंस है जैसे एल बाई के, इसको आर बोल देते हैं, एल बाई के, इसका नाम कुछ और, ये एल बाई टू के, इसको आर बोल देते हैं ना, ये आर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। इसकी रेजिस्टेंस कुछ 2R है, इसकी रेजिस्टेंस कुछ R है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि इसकी थर्मल रेजिस्टेंस कुछ 2R है, इसकी कुछ R है, इसका टेम्परेचर हमें पता नहीं, यहाँ का गिवन है 0 डिग्री और यहाँ का कितना बचता है 50 डिग्री। इसमें कुछ टेम्परेचर में जिससे इतना पता है, यहाँ पे जो हीट करंट आ रहा है 100 हीट करंट, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हीट करंट पता ही लग गया आपके, आपके पास में आ रहा है 100, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ मान लो I1, इसमें कुछ हीट करंट मान लो I2, और इसमें गिवन ही है आपको अब की बार, तो आप क्या बोल सकते, जितना करंट आएगा उतना जाएगा। अब की बार एक से पता है आपको शो, तो ठीक है, बस वो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ कितना रहा है, हमने इन दोनों से मान लिया, बाहर जाता हुआ मान लिया, ऐसा भी हो सकता है इसमें से कोई आ रहा हो पर मुझे पता नहीं ना किस में आ रहा है किस में जा रहा है, तो मैंने बोला इसका तो मुझे श्योर पता है कि इसमें तो ऐसे जा रहा है, इन दोनों का मुझे नहीं पता, तो मैंने इन दोनों में मान लिया दोनों में बाहर की तरफ हीट करंट जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे सर, नेट आने वाला करंट कितना है, आई इन इज इक्वल टू आई आउट। बच्चों आई इन कितना है, 100 आ रहा है, आई आउट कितना आपके पास, दैट इज I1 प्लस I2, ऐसे आपने इक्वेशन लिख दिया, इतना सही है। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं, अब सवाल इजीली हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू देखिए, टी माइनस 50 डिवाइड बाय आर, सही। अच्छा, इससे अगर I2 लिखेंगे दैट विल बी टी माइनस 0 डिवाइड बाय 2R। आपने ऐसे माना ना, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो टी सबसे बड़ा हो गया, तो आप ऐसे लिख पाए। R की वैल्यू निकाल देते हैं यार, R की वैल्यू निकालना आता है क्या, R की वैल्यू देख लेते हैं, R होता है L by KA, L divide by, R किसके बराबर है, L by 2KA के बराबर है ना, तो L divide by 2KA, इसकी वैल्यू निकालता हूँ। L की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर, 2 की जगह 2, K की जगह कितना है 100, और एरिया की जगह कितना है 1/600, ऐसे यूनिट्स में। तो R आ गया 3 ओम आ गया आपके पास, थर्मल रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम, नहीं है ना ओम तो करंट वाली रेजिस्टेंस होती है, ये थर्मल रेजिस्टेंस है आपके पास, ठीक है, तो ये 3 आ रही है आपके पास, तो यहाँ पे ये 3 आ रहा है, तो हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। तो अगर इसको देखेंगे तो ऐसे बन गया 100 इज इक्वल टू टी माइनस 50 डिवाइड बाई 3 प्लस टी बाई 6, और पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दे, दिस विल बिकम 600, पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2t आ गया, ये माइनस 50, ये 100 हो गया प्लस टी हो गया, इतना सही है, 6 से मल्टीप्लाई किया, ये जवाब मिला आपको। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, 3t कितना आ गया आपके पास, 3t आ गया 700 के बराबर, तो t की वैल्यू कितनी है, t आ गया 700 बाय 3 डिग्री सेल्सियस, ये आपका जवाब होगा। तो अच्छा खासा टेम्परेचर है ये आपके पास, कुछ 200 से भी ज़्यादा आ गया आपका, 200 डिग्री से ज़्यादा आ गया आपके पास, कि 233 के आसपास आएगा, ये समझ में आ गई बात। तो ऐसे आप प्रोसीड कर सकते हैं, तो इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए किरचॉफ लॉ में हमने क्या देखा था, कि आप कैसे भी करंट वर्ड मान लीजिए, पर आपको हमेशा ये लगाना है आई इन इज इक्वल टू आई आउट, क्लियर है, ठीक है बच्चों, छाप लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी में ढंग से पढ़ाया जाता है, हम क्लास 12th में इसको डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे ना, क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो बताया जाएगा ऐसा क्यों होता है, अभी अपने सिर्फ आइडिया दे रहे हैं, रेयर है सवाल आना, मुश्किल है, मतलब बहुत कम चांसेस आए, फिर भी अगर कभी आ जाता है तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इस वजह से हम इसे कर लेते हैं। देखिए, वो सिंपल सी बात है, ऐसा डायग्राम होगा, अगर ऐसा डायग्राम हो तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है ना, ऐसा डायग्राम को दिखना चाहिए, ऐसे रेजिस्टेंस ये देख लो आप ना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से कुछ, यहाँ पे कुछ सोर्स होगा, यहाँ पे कुछ सिंक होगा आपके पास, यहाँ से कुछ सोर्स लगा होगा, यहाँ पे कुछ सिंक लगा होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में भी खासियत होनी चाहिए क्या, कि R1 डिवाइड बाय R2, यहाँ पे ये तो करंट का बना हुआ है, पर अगर हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर वाले केस में, कंडक्शन वाले केस में, तो R1 वहां पे थर्मल रेजिस्टेंस, R2 थर्मल रेजिस्टेंस, R3 थर्मल रेजिस्टेंस, ये सब थर्मल रेजिस्टेंस होगी उस केस में ना। अगर बच्चों ऐसा हो दैट इज R1 बाय R2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, R3 बाय R4, मतलब दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसा नहीं हो जाए दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, नहीं, दिस बाय दिस, R1 by R2 बराबर होना चाहिए R3 by R4 के, ऐसा नहीं हो कहीं R1 by R2 is equal to R4 by R3, तब वो व्हीटस्टोन नहीं है, यही कंडीशन होनी चाहिए कि this by this is equal to this by this। अगर ऐसा होता है, अगर ये कंडीशन रहती है कि if this happens then current through R5, then current through R5 कितना आता है आपके पास, 0 आता है, clear, then current through R5 कितना है, 0, इसका मतलब we can remove V
कैन रिमूव आर फाइव इन केस ऑफ वीट स्टोन ब्रिज. वीट स्टोन ब्रिज पास समझ में आ रही है. अगर ऐसी शेप हो आपके पास जो शेप अपने यहां पे देख रहे हैं और इस शेप के अंदर भी स्पेशल केस हो, दैट इज आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर. अगर ऐसा होता है तो इससे कोई करंट नहीं जाता है. अगर इससे कोई करंट नहीं जाता मतलब फालतू है, इसको हटाया जा सकता है. क्लियर, ये बात है आपके पास. समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर. तो आइए अपने एक सवाल करते हैं. मैं से बोलूं यहां पे आपके पास में एक रोड ऐसी है कुछ, क्लियर, और फिर हम रोड को कुछ ऐसा बना देते हैं. ऐसे ऐसे कुछ बना दिया आपने, ठीक है. और इसका यहां पे कुछ टेम्परेचर मान लेता हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कुछ मान लेता हूं मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर. और यहां पे एक और रोड आपके पास लगी हुई है, दिखाई दे रहा है, ठीक है. इसकी लेंथ एल, ये के ए आपके पास है. अच्छा, यहां पे अगर देखेंगे तो ये कुछ एल के ए, ये भी आपके पास एल के ए, नीचे वाला कुछ 2L के ए, इसकी लेंथ कुछ 2L है ना इसकी, ये भी कितना है 2L के ए, और ये बीच वाला जो आपके पास है दिस इज 3L के और ए, कुछ ऐसा सेटअप है आपके पास. क्लियर, ये सवाल है आपके पास. क्लियर है बच्चों, रोड्स दिखाई दे रही है आपको, एक रोड ये दी, एक 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 बीच में. अब आपसे क्या पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया बताओ इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो पूछ लेगा आपसे. फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट कितना आएगा. फिर क्या पूछे बताइए, हीट करंट कितना आएगा. कर पाएंगे क्या? ठीक है बच्चों, पहले आप इस कहानी को छाप दीजिए, वीक स्टोन ब्रिज वाली कहानी को, फिर आप इस सवाल को अप्रोच कीजिए, फिर अपन देखते हैं क्या जवाब आता है, फिर डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप ये और सवाल अटेम्प्ट कर लीजिए अपने, इसको मिटा के फिर यहां पे सवाल को अप्रोच करते हैं. सर क्या करना होता है अगर कभी व्हीटस्टोन ब्रिज बनी हो तो हम किसको हटा सकते हैं, वो जो बीच वाला रेजिस्टेंस थी आर फाइव को, उसको हटा सकते हैं. अब देखिए, अगर हम इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में बनाए तो एल बाई के ए को आर मान देते हैं. आर किसको मान लेते हैं, एल बाई के ए को. अच्छा, अगर आप ऐसे करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी बन गई, आर बन गई, ठीक है. इसकी रेजिस्टेंस कितनी बन गई, ये वाला भी कुछ आर बन गया. अच्छा, इसकी रेजिस्टेंस कितनी बन गई, एल बाई के, दिस भी अगेन आर. अच्छा, ये कितनी थी, टू एल बाई के, टू एल बाई के ना, टू आर बन जाएगा आपके पास. सिमिलरली यहां पे अगर देखूंगा दिस इज अगेन टू आर. अच्छा, इसको देखूंगा जैसे थ्री एल बाई के, दिस इज थ्री आर, ऐसा कुछ है आपके पास. और यहाँ का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस. अब मैंने बोला सबसे पहले इसके अंदर देखा ये व्हीटस्टोन बन रहा है क्या, आर बाई टू आर, और यहाँ पे भी आर बाई टू आर, रेशो सेम आ रहा है, रेशो सेम आ रहा है, मतलब ये व्हीटस्टोन है. अगर ये व्हीटस्टोन, तो इसको हटाया जा सकता है, इसको हटा दिया. अब इसको हटा दिया, अब आए कैसे प्रोसीड करें, अब ये दोनों किस में, सीरीज में, ये दोनों किस में, सीरीज में, तो इन दोनों को सम करूंगा तो कितना बनेगा बच्चों, इन दोनों का सम, दिस विल बिकम टू आर, और इन दोनों का सम करूंगा तो कितना बनेगा बच्चों, फोर आर. समझ में आ रही है बात. अब ये 4R और 2R ये दोनों किसके अंदर है आपके पास, पैरेलल में. अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए तो इन दोनों का जो R बनेगा, R वो बनेगा आपके पास R डैश, जो बोल रहा हूं R इक्विवेलेंट इनका, सिर्फ इतनी दोनों बता रहा हूं आपको, देयर इज R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, दैट विल बी 2R 4R डिवाइड बाय 6R. मैंने बोला था ना अगर दो पैरेलल में हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, दैट इज R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, चाहे तो आप बेसिक से भी जा सकते हैं 1 बाय R इक्वल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. ये सॉल्व किया आपने, यहाँ पे कितना इस 4R by 3 आ गया, तो इस ये वाली वैल्यू तो आ गई 4R by 3, दिस होल सिस्टम इज 4R by 3, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा R plus 4R by 3. सर ऐसे क्यों किया, बिकॉज इस वाले पेयर के ये सीरीज में था, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू बन गई 7R by 3, तो भाई साहब ये तो आपके पास R इक्विवेलेंट आ गया. पहला जवाब जो उसमें था कि R इक्विवेलेंट हमें निकालना था, वो हमने निकाल दिया, ये जवाब दैट इज 7R by 3. अब मुझसे पूछा हीट करंट, बताइए हीट करंट कितना आएगा. अब हीट करंट में कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, अब आपने इस पूरे सेटअप को हटा के एक रेजिस्टेंस बना दी, कितने की 7R by 3, ऐसा ही होता है ना, आर इक्विवेलेंट का मतलब तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है 7R by 3, ये कितना है 100 है और ये कितना है 0 है.
तो आई कितना आएगा आपके पास, देन टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय 7R बाय 3, तो कितना आएगा बच्चों 300 बाय 7R, R की वैल्यू हम रख देंगे, दैट इज L बाय KA, तो यहां पे बन जाएगा 300 KA डिवाइड बाय 7L, ये आपके पास में आई एच आ गया। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट कुछ बनना तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, फिर आगे प्रोसीड कर लीजिए, उसे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए इसी में एक और सवाल करते हैं। अगर मैं बोलूं इस वाले पॉइंट का नाम कुछ ए है, इस वाले पॉइंट का नाम क्या है आपके पास ए है, तो मैं पूछूं फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ पॉइंट ए। अगर इसी में एक और सवाल हो, फाइंड टेम्परेचर ऑफ पॉइंट ए, कर पाएंगे ना बताइए, करिए कितना आ रहा है ये, इस ए पॉइंट का टेम्परेचर कितना आ रहा है इस वाले पॉइंट का, कैसे करेंगे सर? इसके अंदर जो डेल्टा थीटा आएगा, डेल्टा थीटा दैट इज आई मल्टीप्लाई आर, क्योंकि जो करंट जा रहा है वो इससे जा रहा होगा, इसके आगे जाके डिवाइड हो रहा होगा ना, पहले तो इसमें आई करंट ही जा रहा होगा जितना भाई, ये जो करंट आ रहा है आपके पास में दिस करंट, तो ये क्या हो रहा है पहले इसमें जा रहा होगा फिर आगे जाके यहां पे डिवाइड हो रहा होगा, तो इसमें तो उतना ही करंट जा रहा होगा, तो आई के क्या रखेंगे आप, दैट इज 300 KA डिवाइड बाय 7L, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, दैट इज L बाय KA, तो ये KA L हो गया, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज 300 बाय 7, इसके अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज 300 बाय 7, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दैट इज 100 माइनस टेम्परेचर ऑफ A दैट विल बी 300 बाय 7। क्लियर, तो TA की वैल्यू बच्चों कितनी है, दैट इज 400 बाय 7। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप छाप लीजिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक सवाल दिया गया, आप देखिए इसमें क्या 6 रोड्स है आपके पास, कौन कौन सी, एक ये होगी 2, 3, 4, 5, 6, तो अच्छा है कि जहाँ आइडेंटिकल रोड्स है, और टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, यहाँ पे सोर्स है 100 डिग्री पे, यहाँ पे 20 डिग्री पे सिंक है, और हीट कुछ फ्लो कर रहा होगा, आपसे पूछा गया बताइए इस जो डी पॉइंट होगा उसका टेम्परेचर कितना है, ये आपको निकाल के बताना है, डी पॉइंट का टेम्परेचर बता पाएंगे निकाल के? ठीक है बच्चों, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं फटाफट, सही होना चाहिए ना, आप बहुत काफ़ी हद तक हम मेरे साथ मतलब काफ़ी कुछ कर चुके हैं इस चैप्टर मतलब इस वाले टॉपिक में, तो आपसे भी ये सवाल होना चाहिए, करके बताइए कितना रहा। भी हुआ ठीक, अब देखिएगा सब ये आइडेंटिकल है तो इसकी रेजिस्टेंस भी कुछ आर होगी, ये भी कुछ आर होगा, ये भी कुछ आर, ये भी कुछ आर, ये भी कुछ आर, और ये भी कुछ आर। ठीक है सर, की सबकी रेजिस्टेंस आर ही होगी, सबकी सब आइडेंटिकल है। अच्छा अब देखिए ये तीनों सीरीज में है तो इसका कितना बन जाए 3R बन जाएगा, ये पेयर कितना बन जाए 3R, बिकॉज सीरीज में है ये तीनों। अच्छा अब ये 3R और ये R ये दोनों पैरेलल में है, इतना समझ में आता है, सीरीज पैरेलल समझ में आता है आपको, ये कुछ ऐसा बन गया ना आपके पास में, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक ये आर बन गया और ऊपर इसका सम कितना आ गया 3R आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ आर आ गया, तो आप इतना देख पाएंगे ना भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस है, तो ये दोनों किस में हुए, पैरेलल में हुए। अगर ये दोनों पैरेलल में है आपके पास, ये वाले ये दोनों पैरेलल में है आपके पास, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, इनका आर इक्विवेलेंट बनेगा आर वन आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू, दैट इज 3R R डिवाइड बाय 4R, कितना बन जाएगा 3R बाय 4 बन जाएगा आर इक्विवेलेंट, सही है। आप चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, 1 बाय इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, पर मुझे पता है जब दो पैरेलल में होते हैं तो आर इक्विवेलेंट बनता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, सही ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिलकर बना वो बना 3R बाय 4। अब आप क्या बोलेंगे, ये जो 3R बाय 4 है और ये R है और ये R है, ये तीनों किस में आपके पास, सीरीज में है। सीरीज में कब होता है, जब सेम करंट आएगा। आप सोच के देखिए, अगर आपने इन दोनों को हटा के 3R बाय 4 बनाया तो ऐसा बन जाएगा ना, ये R, ये 3R बाय 4 और ये ऐसे R। अब बताइए तीनों सेम करंट जाएगा नहीं जाएगा, तीनों सेम करंट जाएगा, तीनों सेम जाएगा मतलब तीनों सीरीज में है, तब इसका R इक्विवेलेंट कितना बनेगा बच्चों आपके पास, दैट विल बी 2R प्लस 3R बाय 4, तो R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा आपके पास 11R बाय 4।
अच्छा 11 R/4 अगर R आएगा तो हीट करंट कितना आएगा आपके पास, हीट करंट, देन टेम्परेचर डिफरेंस कितना है आपके पास 80 डिवाइड बाय जो टोटल R इक्विवेलेंट है, दैट इज 11 R/4, 320 डिवाइड बाय 11 R, कितना आ गया हीट करंट। अब देखिए यहां से जितना हीट करंट जा रहा होगा इससे भी इतना ही हीट करंट पास हो रहा होगा, इसमें डिवाइड होना पड़ रहा होगा, पर इस बारे हमसे क्या पूछा गया, डीपोल टेम्परेचर पूछा है ना, तो इससे कितना करंट जा रहा होगा आपके पास, उतना करंट जा रहा होगा। तो अगर आप बात करें टेम्परेचर डिफरेंस, अगर आप देखेंगे डेल्टा थीटा किसके अक्रॉस, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो कितना आएगा आई मल्टीप्लाई आर, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 320 डिवाइड बाय 11। अब आप क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ डी -20 इज इक्वल टू 320 बाय 11, तो सही है। तो यहां से आप सोल्व कर लीजिए तो जो TD की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, दैट इज 220 प्लस 320 डिवाइड बाय 11, तो जो TD आएगा आपके पास दैट इज 540 डिवाइड बाय 11। ठीक है, ये डी का टेंपरेचर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो अप्रोक्स 50 डिग्री के आसपास आएगा ना, कहानी समझ में आई है आपको, क्लियर है ये बात, ठीक है छाप लीजिए। वो जैसे हमने बात किया था कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, जैसे था ना सीरीज में थर्मल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, पैरेलल में कितना आ रहा है, वैसे कई बार बात हो जाती है इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी की, कुछ नया नहीं है, आप कर पाएंगे उसको, कई बार सवाल में पूछे थे इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी, तो आप बता देता हूं करें कैसे होता है। देखिए ऐसे मान लेते हैं यहां पे आपके पास में दो ऐसे रोड है, एक ये वाली रोड है और एक यहां पे ऐसे कोई दूसरी रोड मान ली आपने, ठीक है, ठीक है, और इसकी लेंथ कुछ मान लिया आपने L है, थर्मल कनेक्टिविटी कुछ K है और एरिया कुछ A है, क्लियर। यहाँ पे दूसरी रोड है, इसकी लेंथ मान लीजिए कुछ 2L है, थर्मल कनेक्टिविटी कुछ 4K है और क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास A ही है, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि बताइए इस पेयर को अगर आप एक रोड से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसको एक रोड से कन्वर्ट करेंगे ना, एक कैसी रोड होगी वो आपके पास, उसकी लेंथ सेम रखनी है, सीरीज में है तो लेंथ सेम रखनी है ना, यहाँ पे सीरीज में एक नई रोड, मतलब एक नई रोड बनाएंगे हम, इसका इक्विवेलेंट उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी ये 2L है, ये L है, टोटली कितनी होगी बच्चों 3L होगी आपके पास, इसका K क्या होगा, कुछ K इक्विवेलेंट होगा और A आपके पास में कुछ एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शन। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि अगर सीरीज में कभी है और पूछा है इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी, तो लेंथ जो दोनों के सम के बराबर नए वाले की लेनी है, समझ में आ रही है, जो नई रोड आपके पास में जो आप चाहते हैं ना भी इसको एक रोड से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे ये सोर्स लगा हुआ था, ऐसे यहाँ पे सिंक लगा हुआ था, तो फाइनल रोड की लेंथ भी इतनी होनी चाहिए तभी सोर्स और सिंक के बीच में लगेगी आपके पास, तो लेंथ जो इन दोनों का सम है वो लेनी है, के कुछ के इक्विवेलेंट लेना है और एरिया जो इनका एरिया है वो कॉपी कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सर इसकी डिस्टेंस कुछ R1 है, इसकी डिस्टेंस कुछ मान लेता हूँ R2 है और इसकी डिस्टेंस कितनी कुछ R इक्विवेलेंट है। इसमें एक ही चीज नहीं थी, बस जो चीज आपको जानने के लिए मैं सवाल करवाया कि लेंथ आपको सीरीज में है तो जो दोनों का सम है उतनी लेंथ आपको लेनी है। अब आप क्या लिखेंगे, दैट इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं, R1 की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, दैट इज L1 डिवाइड बाय KA, सॉरी L डिवाइड बाय KA, ये कोमा है ना, प्लस R2 कितना हो गया बच्चों 12 डिवाइड बाय 4K और A, और यह यहां पे कितना आ गया आपके पास, दैट इज 3L और K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई, इतना सही, L L L उड़ा दीजिए और A A A उड़ा दीजिए, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन कितना बन गया 3 by K इक्विवेलेंट, यहां पे ये बन गया 1/2K, तो टोटल कितना है 3/2K, ऐसा कुछ आ गया, कट गया यहां पे, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों कितनी आ गया आपके पास 2K आ गया। तो आपसे अगर पूछे बताओ इस सेटअप की इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है, दैट इज 2K, क्लियर। ये था सीरीज में, अगर मान लीजिए कभी ऐसा सवाल पैरेलल में आ जाए आपके पास, पैरेलल वाले केस में कैसा रहेगा, यहां पे सोर्स रहेगा, ऐसे सिंक रहेगा, आपको ऐसे बोल देगा दो रोड्स है, दोनों की लेंथ तो बराबर होनी पड़ेगी ना, तभी तो लगेगा इस के अक्रॉस, दोनों की लेंथ बराबर होनी पड़ेगी, यहां पे कहीं दूसरी रोड मान लिया आपने, क्लियर, एक रोड ये वाली है आपके पास और एक रोड ये वाली है, दो रोड्स आपके पास, इसकी लेंथ कुछ L है, थर्मल कनेक्टिविटी कुछ K है और एरिया ऐसा कुछ A है। अच्छा, जो यहाँ पे जो रोड है उसकी लेंथ L है, थर्मल कनेक्टिविटी कुछ 2K है और एरिया कुछ 2A है, क्लियर। अब आपसे पूछा गया बताइए इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी कितनी होगी नई रोड की, तो एक नई रोड बना लीजिए। अब देखिए सीरीज में दोनों की लेंथ को जोड़ा था, अब जो इसकी इक्विवेलेंट जो बनेगी, जो चीज हमें जाननी है, देखिए सीरीज में हमने क्या है इक्विवेलेंट लेंथ को लिया, लेंथ यहाँ पे खतरा है आपके पास में ना, यहाँ पे
ये चीज खतरा है कि जब आप इसका इक्विवेलेंट जोड़े तो लेंथ को ऐड करके नई रोड दिखनी है, यहां पे जब आप ऐसे कर रहे हैं तो लेंथ तो इसकी एल की एल ही आएगी, थर्मल कंडक्टिविटी कुछ के इक्विवेलेंट आएगी, वही हमें निकालना है और एरिया को ऐड करना है। एरिया कितना बनेगा यहां पे 3a, यहां पे ये खतरा है, ये बात समझ में आ रही है। वहां पे किसको ऐड करना था, लेंथ को ऐड करना था, यहां पे किसको ऐड करना होता है, एरिया को करना होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो अब आप इक्विवेलेंट लेंथ लेंगे वो कौन से, मतलब जो इक्विवेलेंट रोड लेंगे वो कौन से एरिया के लेंगे वो तो पता बताया नहीं ना हमें, तो अगर ऐसा कभी देखे पूछे कि बताओ के इक्विवेलेंट कोरेस्पोंडिंग, तो आपको अगर कुछ इक्विवेलेंट रोड मानना है और कहीं पूछे के इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो उस वाले केस में एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ये वाली बात, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे ना, बिकॉज इसका एरिया अलग है, इसका एरिया कौन सा लेना होता है, तो स्टैंडर्ड यही है। अगर आपसे कभी के इक्विवेलेंट पूछे पैरेलल में तो आप इन दोनों के एरिया को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, क्लियर। अब आप देखिए आपको पता है R1 की वैल्यू कितनी है, इसकी डिस्टेंस कुछ R1 मान लेता हूं, इसकी थर्मल डिस्टेंस कुछ R2 मान लेता हूं, इसकी कुछ R इक्विवेलेंट मान लेता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, सही है। R1 की वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज L/KA प्लस R2 की वैल्यू, दैट इज L डिवाइड बाय KA, दैट इज 4KA। L इक्विवेलेंट की वैल्यू, R इक्विवेलेंट की वैल्यू, लेंथ L है, K इक्विवेलेंट है और एरिया कितना बच्चों 3A है, सही। L L L सब उड़ गया और A और A उड़ गया आपके पास, तो K इक्विवेलेंट कितना निकल के आया आपके पास, K इक्विवेलेंट आ गया यहां से 5K/3, क्लियर। तो इसमें आप अपनी भाषा में लिख लीजिए एक चीज, क्या लिखेंगे अपनी भाषा में, कि भाई साहब अगर सीरीज में कभी के इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आपको लेंथ को ऐड करके लिखना है, फाइनल जो आप रोड बनाएंगे उसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो दोनों का सम होनी चाहिए, अगर पैरेलल में है फिर के इक्विवेलेंट निकालना है, दोनों का जो एरिया होगा वो एरिया को ऐड करके नया रोड का एरिया लिखा जाएगा, क्लियर है। कई बार ये पूछे थे भाई साहब के इक्विवेलेंट बताइए, तो आप फंसे ना, इस वजह से करवा दिया गया, ठीक है, छाप लीजिए। मुझे मैं आपको रेडियली हीट फ्लो का कंसेप्ट देना चाहता हूँ और वो मैं प्रॉब्लम के थ्रू देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले यह सवाल रेडियल हीट फ्लो का नहीं है, ये तो वैसा ही जो आप पहले कर रहे थे, इसके बाद वाला सवाल हम रेडियल हीट फ्लो का उठाएंगे, वो इसी से लिंक होगा। सबसे पहले आप सवाल को समझिए ना, अब आपको यहाँ पर थोड़ी इमेजिनेशन लगानी पड़ेगी। देखिए आपको क्या बोला गया, पहले सवाल पढ़ लीजिए, क्या है, ए होलो सेंटर ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज लेंथ L एंड थर्मल कंडक्टिविटी K। आप डायग्राम अपने दिमाग में एनालाइज कीजिए कि किस तरीके का सिलेंडर है, और ये कहानी समझ में आनी चाहिए क्या मास्टर बोलना चाह रहा है, ये समझ में आ गया। फिर आप देखिए सवाल में क्या, इफ टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस प्लेनर सरफेस इज डेल्टा थीटा, प्लेनर सरफेस कौन से हैं, प्लेनर सरफेस कौन से होते हैं, उनके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस अगर डेल्टा थीटा, तो आपसे पूछा हीट करंट कितना फ्लो करेगा, ये पूछो। सवाल को एनालाइज कर दीजिए खुद से, फिर मैं आपको सवाल समझाता हूं, अगर आप सवाल समझ गए तो सवाल आप इजीली कर पाएंगे, पर समझने में आपको थोड़ा उससे भी 3D इमेजिनेशन आप ना कर पाए। कुछ समझ में आई बात, अब मैं आपकी हेल्प करता हूं समझने में। आपको क्या बोला गया कि ए होलो सिलेंडर, तो होलो सिलेंडर जैसे देखिए, ये होलो सिलेंडर ना खोखला है, यहाँ पे अंदर खोखला है, फिर ये ऐसे, ठीक है, ये होलो सिलेंडर है आपके पास, क्लियर है बात, ठीक है। ये होलो सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस R1, ये जो खोखले वाले की पार्ट की रेडियस है वो कितनी है R1, और ये पूरी कितनी है R2, तो आपको समझ में आ रहा है यहां से देखिए यहां तक R1 है, यहां से देखिए यहां तक कितनी है R2। अगर आप इसका साइड व्यू बनाएंगे यहां से, अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा, ये रेडियस कितनी है आपके पास R1 और ये कितना है आपके पास R2, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए ये R1 ये वाला R2, क्लियर। अब ठीक है जी, सारी बात लेंथ L, लेंथ कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ है, दिस इज लेंथ ना, तो ये लेंथ आपको गिवन है L, तो हमने इसको L बना दिया। तो मटेरियल सिर्फ कितने से पार्ट में है, इस वाले पार्ट में है जी, जो R2 - R1 वाला जो सिलेंडर बन रहा है उस वाले पार्ट में मटेरियल है, अंदर से तो खोखला है ये। अब आपको ये बोला गया कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो प्लेनर सरफेस के बीच लगाएगा, प्लेनर सरफेस कहाँ है, प्लेनर क्या ये प्लेनर है क्या, ये सरफेस नहीं, ये प्लेनर, ये कर्व्ड सरफेस है, प्लेनर सरफेस क्या ये देखिए ये प्लेन सरफेस है, ये क्या है प्लेन सरफेस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों एंड्स के बीच में लगाया गया, इन दोनों एंड्स के बीच में, क्लियर। अब आपको ये बताना है कि अगर इन दोनों के एंड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा लगाया गया तो हीट करंट कितना फ्लो होगा, ये आप निकाल के बताइए, पहले आप करिए फिर मैं इसको डिस्कस करके बताता हूँ। ये सिंपल सवाल है बच्चों, ये होना चाहिए, इसमें कुछ नया नहीं है, ये हम पहले से देख चुके हैं। हाँ भी किया जाए, आइए मैं करता हूं इस सवाल को।
तो मुझे समझ में आया कि पहले मुझे थर्मल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? एल डिवाइड बाई के ए, एल डिवाइड बाई के ए। अब देखिए एल क्या होता है? लेंथ अलोंग द करंट फ्लो। जो हीट हीट करंट है वो कैसे जा रहा है? हीट करंट ऐसे जा रहा है। देखिए अगर ये आपके पास में होलो सिलेंडर था, जो हीट करंट होगा वो आपने यहाँ पे और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस लगाया ना, इधर सोर्स है इधर सिंक है, हीट कैसे जा रहा है? ऐसे से जा रहा है, सही है। तो लेंथ अलोंग द हीट फ्लो कितना आएगा? एल ही आ जाएगा। एरिया कौन से एरिया जा रहा है? सिर्फ क्या पूरे एरिया से जा रहा है क्या? पाई आर टू का स्क्वायर इतने इस पूरे एरिया से जा रहा है क्या? पूरे से नहीं जा रहा, सिर्फ इस वाले पार्ट से जा रहा है। कौन सा पार्ट से जा रहा है? ये वाला पार्ट सिर्फ, इससे हीट जा रहा है, इससे अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, पूरे से नहीं जा रहा ना आपके पास। तो अगर आप मैं पूछूं ए कितना होगा, तो ए आपके पास में इट इज पाई आर टू का स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर, ये ए आएगा। लेंथ कितनी है? एल है। थर्मल कनेक्टिविटी के है। तो अगर आप इसकी रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे दैट विल बी एल डिवाइड बाई के, और एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर टू का स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर, सही। ये आपके पास इसकी थर्मल रेजिस्टेंस आ गई सिलेंडर की। अगर मुझसे पूछा है करंट फ्लो, तो करंट फ्लो कितना है? दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। आपको थर्मल रेजिस्टेंस मिली तो काम खत्म हो गया ना भाई साहब, थर्मल रेजिस्टेंस तो मिली कि काम खत्म हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस अब आपके करंट क्या हो जाए? टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो आप इसको यहां पुट करिए, टेम्परेचर डेल्टा थीटा है और थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू है एल, और ऊपर आएगा के पाई आर टू का स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर, सही। तो यह आपके पास में हीट करंट आ गया। क्लियर था बच्चों? आपको समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा अपने सवाल को डिफिकल्ट बनाते हैं। अब की बात जो आपका डेल्टा थीटा है वो कहां पे है? टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस कर्व सरफेस, अक्रॉस कर्व सरफेस इज डेल्टा थीटा। अब भाई साहब कहानी बदल गई। ये छाप लिया था ना आपने? नहीं छापा था, रिवाइंड करके छाप लीजिए, अब तो ये सुविधा है हमारे पास। अच्छा, अब आपसे ये बोला गया यार अब हीट फ्लो कितना करे? सर जी सवाल समझ में यार क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा भाई साहब अक्रॉस कर्व सरफेस के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंट डेल्टा थीटा है, कैसे है नहीं दिख रहा? पहले खुद से फील करिए, फिर अपने इसको थोड़ा दिख लेंगे। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है ये ऐसे बोल रहा है कि आपके पास में ऐसे था ना, ऐसे था, पहले टेम्परेचर डिफरेंस था इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस के बीच में। अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार अंदर वाले सरफेस का जो टेम्परेचर है वो है T1 और बाहर वाले का T2। ऐसे मान लीजिए अंदर ठंडा पानी भर दिया, अंदर ठंडा पानी भर दिया, उसका टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री है, तो यहां पे 0 डिग्री हो जाएगा। बाहर इसको स्टीम में रख दिया तो बाहर का टेम्परेचर कितना हो? T2। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों सरफेस, ये अंदर वाला कर्व सरफेस और बाहर वाले कर्व सरफेस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा थीटा। सर कैसे हो सकता है? आप इस सेंटर के अंदर बर्फ डाल दो तो 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया, अंदर वाले पार्ट का बाहर स्टीम रख दो तो बाहर आपके पास 100 डिग्री हो जाएगा। तो कोई भी डेल्टा थीटा आप किया जा सकता है, उस टेम्परेचर का लिक्विड अंदर भर दो और बाहर दूसरे वाले का लिक्विड भर दो, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे? इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस के बीच में। अब जो आपके पास में करंट, जो हीट करंट का फ्लो होगा वो कैसा होगा, वो आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। अब क्या सर जी? रेडियली आउटवर्ड हीट जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। इस यह डायग्राम आपके समझने में थोड़ी हेल्प कर सकता है। देखिए ऐसा था आपके पास, हम सिलेंडर का ये वाला व्यू देख रहे हैं, ये साइड वाला व्यू, साइड वाले व्यू देखेंगे तो ये इनर सिलेंडर, ये ऐसे आउटर सिलेंडर आपके पास। तो इसका टेम्परेचर अगर हम देखेंगे, बना लेते हैं इसको ढंग से, इसका टेम्परेचर अगर मैं देखूंगा तो अंदर वाला टेम्परेचर कितना है? मान लो कुछ θ1 है, बाहर वाले कितना? कुछ θ2 है। तो करंट क्या? रेडियल करंट, करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसा फ्लो करेगा हीट करंट, ऐसे जाएगा हीट करंट, ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएगा। फील करने की कोशिश कीजिए बच्चों, 3D में चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसमें देखेंगे इस वाले केस के अंदर तो कैसा जाएगा? अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस लगाया, यहाँ पे लगाया, तो ये जैसे ये है ना आपके पास जो विड्थ है, इस विड्थ में ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा है हीट। बात समझ में आ गई? सर जी समझ में आना चाहिए भाई साहब कैसे हीट फ्लो करेगा। तो आप ये वाली बात लिख लीजिए, इन दिस केस हीट विल फ्लो रेडियली आउटवर्ड, इन दिस केस हीट विल फ्लो कैसी? रेडियली आउटवर्ड। फिर अच्छा, अब अगर मुझसे पूछे भाई साहब इसकी थर्मल रेजिस्टेंस निकाल के बताओ, तो मैंने बोला यार मुझे तो ये फॉर्मूला पता है एल बाई के ए, पर अब की बार यहां पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अगर आप देखेंगे हीट ऐसे फ्लो कर रहा है तो जो एरिया परपेंडिकुलर है वो कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, देखिए ये वाला एरिया। अगर जैसे आप मुझसे पूछेंगे कि सर जी इससे हीट फ्लो कर रहा है कुछ,
यहाँ पे ये एक सेटअप है, इससे ये सिलेंडर था, इससे ऐसे हीट फ्लो कर रहा है, तो कौन कौन से, जैसे इस वाले पेज से कर रहा है, फिर इसके आगे वाले पेज से कर रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है। अगर आप इसको अंदर जाके एनालाइज करें, सबसे पहले वाले पेज से गया, फिर दूसरे वाले पेज से हीट गया, फिर तीसरे वाले से गया, फिर चौथे वाले से गया, ऐसे तो फ्लो कर रहा है ना। तो एरिया परपेंडिकुलर कौन सा आएगा आपके पास, ये पूरा कर्व सर्फेस का एरिया आएगा, ऐसा पूरा कर्व सर्फेस का एरिया। जो यहाँ पे जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, एरिया होता है एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो। तो अगर हीट ऐसे रेडियली फ्लो कर रहा है तो कौन सा एरिया आएगा, तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये वाला एक एरिया लेना पड़ेगा। इसको खोलेंगे तो पेज है ये, जैसे यहाँ पे आपके पास, जैसे मान लीजिए ऐसा है आपके पास ना, तो अगर मान लीजिए आप देखें किसी कौन सा एरिया लिया जाएगा यहाँ पे, तो इस पेज का एरिया है ना, यही तो घूम के सेंटर बनाया आपके पास, मेरी बात समझ में आ रही है। और ये एरिया वेरी कर रहा है, ये एरिया वेरी कर रहा है। देखिए अगर आप इस वाली पोजीशन पे होंगे तो ये एरिया कितना होगा, ये तो होगा 2πr × L, ये एरिया बदलता जाएगा आपके पास, जैसे जैसे हीट आगे आगे फ्लो करेगी वैसे जो एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो है वो बढ़ता रहेगा। आप फील करके देखिए भाई साहब, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके पास, यहाँ पे ऐसे सेंटर बना हुआ है, तो सबसे पहले जो हीट गई वो इस वाले पेज से गई मान लो, उससे फिर आगे वाले पेज से गई होगी, मतलब अगर परफेक्ट सेंटर बन रहा होगा आपके पास, तो सबसे पहले इस वाले एरिया से गई, तो ये एरिया कितना 2πx × L, तभी तो कर्व सर्फेस का एरिया आएगा। जो परपेंडिकुलर एरिया है दैट इज ए कर्व सर्फेस एरिया, तो एक्स दूरी पे कितना 2πx × L, अब एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो एरिया भी क्या होता जा रहा है आपके पास, चेंज होता जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, एरिया यहां पे जो दिक्कत है हमें, वो दिक्कत क्या आ रही है, दैट इज एरिया परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो इज चेंजिंग। इससे पहले जो भी सवाल हम करते हैं वहां पे एरिया कांस्टेंट था तो हम डायरेक्टली एल बाई के लगा देते, पर अब की बार ऐसा नहीं लगेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला यहां से कुछ एक्स दूरी पर जाके यहां से हम कितना मूव करते हैं, ये यहाँ पे जो हम L लेते हैं वो L क्या होता है, वो L डिस्टेंस होता है अलोंग द हीट फ्लो। तो हीट रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो रेडियली आउटवर्ड हमने ऐसे कुछ कितना डिस्टेंस मूव करे, कुछ dx डिस्टेंस मूव करे, कितना मूव करे बच्चों, dx डिस्टेंस मूव कर, दिस विड्थ इज dx। तो मैंने क्या लिखा, जो छोटा सा जो रेजिस्टेंस है दैट इज dx, लेंथ कितना मूव किया, dx मूव किया, बिकॉज अगर डायरेक्टली l बाई के तब लिख सकते थे जब पूरी रोड का एरिया यूनिफॉर्म होता, पर अब की बार ऐसा नहीं है, हर एक पॉइंट पर अगर आप देखें तो एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो बदलता जा रहा है। तो हमने x दूरी पे जाके थोड़ी सी लेंथ हम चले दें dx, तो यहाँ पे कि उसका थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज 2πx × dx, सॉरी 2πx × L। जो एरिया अगर आप बच्चे से खोलेंगे, ये सेंटर है यहाँ पे, इस वाले एरिया से पास हो रहा है, देखिए ये जो एरिया है ना, ये जो बना रहा हूँ सेंटर का एरिया, इस वाले एरिया से हीट जा रहा है देखिए, तो ये वाला एरिया कितना होगा, x दूरी पर जाएंगे 2πx × L, यही तो आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेंटर। और कितना विड्थ मूव किया, हीट यहां से थोड़ा सा आगे फ्लो किया, कितना dx विड्थ फ्लो किया, तो लेंथ तो ले लिया आपने dx, और k डिवाइड बाय एरिया कौन सा ले लिया, ये वाला कर्व सरफेस का जो एरिया है ये आ गया आपके पास। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि सबके सब जो आपके पास सिलेंडर्स हैं वो आपके पास सीरीज के अंदर हैं, तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करने जाएंगे तो x की वैल्यू देखिए कहां से कहां तक वैरी कर रही है, x की इनिशियल वैल्यू कितनी थी R1, फाइनल वैल्यू कितनी है R2, तो ये तो बन गया रेजिस्टेंस, यहाँ पे आ गया 1/2πkL, 2πkL, और dx पे x के इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा ln x, लिमिट कहां से कहां तक R1 से लेके R2 तक, क्लियर, ये R इक्विवेलेंट आ गया। तो अगर आप यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालेंगे, इट विल बिकम 1/2πkL ln R2 डिवाइड बाय R1। सही है, कोई दिक्कत नहीं, चमक की बात। तो ये आपके पास R इक्विवेलेंट आ गया, ये थोड़ा अच्छा है, मतलब रेयर चांसेस आएंगे पूछ ले, नीट में नहीं पूछेगा, जेई में कई बार पूछ लेता है, फिर भी आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाए, इस वजह से मैंने आपको कराया, लास्ट में करवाया है, पर ये जैसे थोड़ा टफ लेवल कर लेंगे ना तो आपको नीट आसान लगने लग जाएगा, थोड़ा सा टफ लेवल करना ही चाहिए मतलब, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास जो हीट करंट आएगा दैट विल बी कितना, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो मुझे पता है ये आ गया, तो हीट करंट आप क्या लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आर इक्विवेलेंट जो आपके पास में है इसको जवाब मिल जाएगा। आप कोई इससे आप ये सीख सकते हैं भाई सब लेंथ कैसे लेते हैं, एरिया कौन सा होता है, चमक गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, चांद तारे लगा लीजिएगा, यहाँ पे स्टार मार्क कर लेते हैं इसको।
तो यहाँ थोड़ा सा मतलब नीट वाले थोड़े से इंटीग्रेशन से उनसे डरते हैं, पर डरिए मत, अगर आप किसी से डरेंगे ना तो आपको खा जाएगा, डरना नहीं है ना, आप चीज़ों से फाइट कीजिए, आप उनसे सीखिए, उनसे लड़िए, तो आपको आसान रहने लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो टफ होता है, आपको टफ लगता है आप उसे पढ़िए, आप समझिए, अगर समझ में आ गया तो टफ नहीं जाएगा, ये फैक्ट है ना आपके पास में। आप जैसे कोई आपने टेंथ क्लास की, जो टेंथ का समय पढ़ते थे टफ लगती थी, अभी मैं बोलूँ तो आप बोलेंगे आसान लगती है, क्योंकि आपने पढ़ लिया, तो जो चीज आप सीख जाएंगे वो चीज आसान लगेगी। आप अगर किसी को टफ लगे उसे भागेंगे तो हमेशा टफ लगेगा, आप उसे भागिए मत, आप उसको निचोड़िए, उससे सीखिए, अगर आप उसको सीख गए तो वो आसान हो जाएगी आपके लिए। क्लियर है? छाप लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों सेंटर वाला केस कर चुके हैं ना, और ऐसे रेडियल हीट फ्लो का केस हम कर रहे हैं स्फीयर के अंदर। ये दिखने में मतलब कैसे स्फीयर नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि 3D में नहीं बना सकते आप बोर्ड पे, पर ये है स्फीयर ना, ये इनर स्फीयर है या आउट, मतलब ये आपके पास में स्फीयर है, होलो स्फीयर है, और इसकी रेडियस R1 है, इसकी R2 है, यहाँ पे होलो है, तो यहाँ पे मटीरियल है सिर्फ आपके पास ऐसे कुछ मटीरियल है। क्लियर? तो आप लैंग्वेज पढ़ दीजिए। इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर स्फेरिकल सर्फेस डेल्टा थीटा, फाइंड आउट हीट फ्लो थ्रू द स्फीयर, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है आपको मटेरियल की, दैट इज की। सबसे पहले फील कीजिए क्या हो क्या रहा है, कहाँ पे कैसे टेम्परेचर। देखिए आप ऐसे मानिए एक बोल है, खोखली बोल है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, और बाहर उसे एक आपने गर्म पानी में रख दिया, वहां का टेम्परेचर कुछ 40 डिग्री है। समझ पा रहा है? तो टेम्परेचर में समझ पा रहा है, इनर सरफेस, क्योंकि अंदर आपने उसके अंदर बर्फ भर दिया, तो अंदर सरफेस टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। सिमिलरली आप बोला इस सरफेस टेम्परेचर कुछ थीटा 1 होगा मान लीजिए, और बाहर वाले सरफेस का कितना है आपके पास, थीटा 2 होगा। ये स्फीयर है, सिलेंडर नहीं है, जिस स्फीयर इससे पहले वाले सवाल में क्या था, सिलेंडर था, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब आपसे पूछ रहे भाई साहब हीट फ्लो कितना होगा, मतलब जो हीट फ्लो होगा पहले आप ये देख लीजिए कौन सी डायरेक्शन में होगा, कैसे वो डायरेक्शन आएगी। अगर आप डायरेक्शन पिक कर लेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स लगा के आप सोल्व कर पाएंगे। पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए बच्चों, फिर आप इसको डिस्कस करते हैं। हाँ भी हुआ, अब मैं इसको कर रहा हूं, देखिएगा जो हीट फ्लो आपके पास में होगा तो वो ऐसा कुछ होगा, वो रेडियली आउटवर्ड होगा आपकी बार में, जो हीट फ्लो आपके पास आएगा दैट इज रेडियली आउटवर्ड। तो हमने यहां पे लिख लिया हीट फ्लो will be radially outward। तो बच्चों अगर radially outward होगा तो जो cross sectional area होगा, जो आप हमारे पास ये लिखते हैं resistance, thermal resistance formula क्या, that is L by K A, तो ये जो area है वो area क्या होता रहेगा, change होता रहेगा, area A will keep on changing। अगर area बदलता रहेगा तो आप direct नहीं लिख सकते, आपको integrate करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सेंटर से कुछ एक्स दूरी पे चलेंगे, सेंटर से कुछ एक्स दूरी पे चलेंगे, तो इस वाले एरिया को हमने कंसीडर कर लिया सेंटर से एक्स दूरी के ऊपर, और हम कुछ डीएफ विड्थ चलेंगे ना, हमें छोटे से पार्ट की थर्मल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, छोटे से पार्ट की, हमें छोटे से स्फेरिकल पार्ट की, छोटे स्फेरिकल शेल की हम थर्मल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। दिस इज एलिमेंट, क्या पकड़ा है आपने, एलिमेंट पकड़ा है थिन स्फेरिकल शेल आपका एलिमेंट है। क्लियर? तो अगर आप इसकी थर्मल रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे R, तो L कितना है आपके पास, इसकी विड्थ कितनी मानी है हमने, dx मानी है, तो इस जो करंट जा रहा है वो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कितनी आपके पास में विड्थ आ रही है, कितनी लेंथ चले आप dx लेंथ चले, क्योंकि करंट भी जो हीट करंट है रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन में आप कितनी लेंथ चले दैट इज dx, तो आपने लिख दिया dx। K की जगह कितना है, की वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो तो कांस्टेंट है। अच्छा एरिया कितना है, एरिया देखिए इसका एरिया लेना है, तो ये क्या है थिन स्फेरिकल शेल, तो इसका जो एरिया आता है वो कितना था, 4πr² ये आता है, तो आपने 4πx² लिख दिया, 4πx² ये dr है, dr मतलब छोटी सी रेजिस्टेंस, मतलब जो आपने शेल पकड़ी है, जो एलिमेंट पकड़ा है उस एलिमेंट की रेजिस्टेंस है। dr क्या है आपके पास, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ थिन स्फेरिकल शेल, और यही क्या आपके पास, ये एलिमेंट लिया गया ना यहाँ पे। क्लियर? अब अगर पूरे के निकाल तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, ये डी आर बड़ा होके इंटीग्रेशन के बाद में आर इक्विवेलेंट बन जाएगा, 1/4πk आपके पास कॉन्स्टेंट आ गया। अच्छा इसको देखते हैं डीएक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है, दैट इज -1/x, इंटीग्रेशन करना आता है dx/x² का, तो -1/x बनेगा। यहां से रेडियस की पहले वैल्यू कितनी थी R1, अब कितनी है R2, तो R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए आप, दैट इज 1/4πk,
और ये बन जाएगा 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू, माइनस था उसको अंदर लेके चला गया, ऐसा कुछ बन गया। तो यहां से अगर आप आर इक्विवेलेंट देख रहे हैं तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है 1 बाय 4 पाई के और आर टू माइनस आर वन डिवाइड बाय आर वन आर टू, और जो करंट आएगा हीट करंट वो कितना का डेल्टा थीटा डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, फिर जवाब मिल जाएगा। तो आपको बस ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था भाई साहब, एरिया का एलिमेंट कैसे पकड़े, आई होप आपको बात चमक गई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो हीट ट्रांसफर के अंदर कंडक्शन वाला पार्ट था वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें दो ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके पास में कंडक्शन और एक रेडिएशन, तो जितने सवाल दोनों बराबर बराबर सवाल आते हैं और ये आसान है, और एक बार करंट पढ़ दिया जाएगा तो और आपको आसान लगने लग जाएगा। जो हमने करंट की बातें की वो मे बी आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंज हो, पर उससे सवाल आसान हो जाता है, बाकी में उसमें गणित में आप फंस जाएंगे ना, तो वो इसलिए वो तरीका बताया गया, और वहाँ पे करंट में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो आई होप आप कंडक्शन को समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप सही ढंग से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।